मोदीपुरम डिपो मोदीपुरम स्टेशन से मुजफ्फरनगर की तरफ 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ बनाया जा रहा है। आज हम इस डिपो की प्रोग्रेस देखेंगे 4 महीने के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है मोदीपुरम स्टेशन। यहाँ पर 2 लॉन्चर लग रहे हैं, एक आया है मेरठ नॉर्थ की तरफ से और एक आया है डिपो की तरफ से। स्टेशन के पास अभी 3 स्पैन में काम बाकी है। पिछली अपडेट में यहाँ पर क्रॉस गर्डर्स का काम पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पर एक साइड में सेगमेंट्स के द्वारा वायरडक्ट रेडी किया जा रहा है और दूसरी साइड में गर्डर लॉन्चिंग करके डेक स्लैब के द्वारा। सेगमेंट्स की लॉन्चिंग के द्वारा जो वायरडक्ट रेडी किया जा रहा है उसका ये है एंडिंग पॉइंट। ये वायरडक्ट अभी यहां तक ही बनाया जाएगा। अगर इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करना हुआ तो यहां से ही आगे की तरफ इसको एक्सटेंड किया जा सकेगा। वैसे ये वाला वायरडक्ट कभी कभी ट्रेन की पार्किंग के लिए यूज हुआ करेगा। बाकी डिपो में जो वायरडक्ट जाएगा वो यहां से जाएगा, जिसके लिए अभी यहां पर पियर्स रेडी होने हैं। यहां पर सारे पियर्स की फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट में पाइलिंग तक ही काम पूरा हुआ था। आगे की तरफ के पियर्स तो काफी टाइम से रेडी थे, जहां देख सकते हो लॉन्चर्स लगा दिए गए हैं। एक लॉन्चर बढ़ेगा डिपो की तरफ और एक लॉन्चर बढ़ेगा मोदीपुरम स्टेशन की तरफ। यहां पर 3 स्पैन में वायरडक्ट भी रेडी हो गया है। रोड क्रॉस करने के बाद के पियर्स अभी यहां पर रेडी होने हैं। यहां कुछ पियर्स की फाउंडेशन का काम हो गया है, जहां पिछली अपडेट में पाइलिंग का काम शुरू हुआ था। यहां से ट्रेन एंटर हुआ करेगी डिपो में। आगे की तरफ अभी कोई खास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं चल रही है। डिपो के एंडिंग में यहां पर प्रोग्रेस हुई है पिछली अपडेट के कंपैरिजन से। अभी तो इस डिपो को रेडी होने में काफी समय लगने वाला है। जब तक ये डिपो रेडी नहीं होगा मेरठ मेट्रो दुहाई डिपो में ही पार्क होगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। करते हैं अपनी इस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो को यहीं पर एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाने वाला हूं मोदीपुरम के स्टेशन से लेकर प्रतापपुर तक की।